तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने आपको ये जो हॉल बनाए थे वो दिखाए। अभी हमने इसमें सरिये को फिल कर दिया है। ये उधर बीम के अंदर क्रॉश किया हुआ है, ये एल बनाए हुए हैं, इनका एल बना दिया गया है। और यहाँ से देख सकते हो आप, इसको हमने ये वाले दो सरिये नीचे हैं और दो ऊपर, ये इसके बीच में से निकल रहा है। इसको ये भी इसके बीच में से हमने क्रॉस कर दिया आपस में। इसमें बिल्कुल भी हिलने डुलने के चांस नहीं है। और इसी तरह से हमने इसको वहाँ फंसा दिया है, ये देख सकते हो। इसके भी हमने हल बनाए हैं। और इसको भी हल बनाकर इस तरीके में हमने फिल कर दिया है ताकि ये इसमें अच्छे फसों को बना पाए। और इसी तरह से हमने इसको हल बनाए हुए हैं। अभी आपको सही से दिखाई पड़ेगा थोड़ा कि हम किस साइज से बना रहे हैं। ये जो हमारा है रूम है 10x14 का, और ये 10x10 का रूम है, और ये एल शेप में है। यहाँ पर इनका एल बनने वाला है, इसकी विंड डोर लगेगा, और यहाँ पर इस रूम का डोर लगेगा। और उसको भी हमने आर पार किया हुआ है। और ये बीच में हम ओपन किचन रखने वाले हैं, ये थोड़ी गटाकी होगी। और ये हमारा एक और रूम है जो कि 10x11 का है। और यहाँ पर हम एल विंडो इस्तेमाल करेंगे। तो ये है पूरा पोर्शन, इसकी 22x45 की लंबाई चढ़ाई है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।